हेलो दोस्तों, आज ये देखिए, आप पीछे देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ये हिमालय की गोद में आ गए हैं। कम से कम 15,000 फीट चढ़ाई में हम पैदल चल के आए हैं। नीचे से नीचे तक गाड़ी लाए थे, उसके बाद यहाँ पैदल आए हैं। ऊपर हिमालय दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है? एकदम एकदम सर के ऊपर हिमालय है। ये देखिए, उस कैमरा में साफ नहीं आ रहा है। ये देखिए, बिल्कुल ही नज़दीक है। और चारों तरफ ये देखिए, अभी भी पहाड़ों में बर्फ़ है। चारों तरफ कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और हम जो आए हैं, कौन सा गांव? वो लास्ट जो गांव दिखाई दे रहा है यहाँ ऊपर, अच्छा, यहाँ से हम पैदल आए हैं। तो अभी 3-4 घंटे हो गए यहाँ चढ़ते चढ़ते। हालत ख़राब है, बहुत ही चढ़ाई पे है। यहाँ पे एक अच्छा मंदिर है जिसके दर्शन के लिए हम आए हैं। कल हम मंदिर जाएंगे और आगे वीडियो में दिखाते रहेंगे। और ये हमारे यहाँ के लोकल दोस्त हैं, आज इन्हीं के यहाँ रहेंगे। बहुत ही चढ़ाई है। ये देखिए, अभी ऊपर पहाड़ में धूप लगी है, ऊपर हिमालय है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, जूम में। ये देखिए, बिल्कुल सर के ऊपर हिमालय है। ऐसे कैमरे में कुछ साफ नहीं आ रहा है, पर हिमालय एकदम नज़दीक है। बहुत बर्फ है अभी भी। लास्ट गांव है ये इस एरिया का, और ये 15-16 हज़ार फीट ऊपर बसा हुआ गांव है। आज भी यहाँ बर्फबारी हुई थी। आज 1 अप्रैल है 2019, तो आज भी यहाँ बर्फ़ पड़ी थी थोड़ी देर पहले। ये गीला हुआ है नीचे, यहाँ बारिश हुई थी और ऊपर इनके गांव में बर्फ़ आई थी। देखते हैं, क्या पता हमको भी देखने को मिलेगा। नहीं तो आजकल तो थोड़ा गर्म मौसम रहता है, जल्दी बर्फ़ पिघल जाती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पानी मिला है हमको बहुत टॉप पे आके, और नीचे ये गाय भैंसों के लिए बना रखा है। कुछ इस तरीके का पानी इकट्ठा होता है और ये पानी यहाँ से निकल रहा है, बस ये स्रोत है। ये देखिए, इसी पहाड़ी इसी पेड़ों के नीचे, और यहाँ पे ये पानी इतना सा निकल रहा है, और यहाँ पे ये पीने के लिए बना रखा है। और ये पानी बिल्कुल साफ पानी है ये। और चारों तरफ ये देखिए, फूलों के पेड़ हैं, चारों तरफ फूल ही फूल हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और बहुत ही पैदल रास्ता है, रास्ता अच्छा है, घोड़े भी चलते हैं इसमें सामान ढोने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, यहाँ पे सारे बांस के फूल ही फूल हैं, फूलों के पेड़ हैं, और चारों तरफ फूल ही फूल हैं। कैमरे में इतने अच्छे तरीके से आएगा। ये देखिए दोस्तों, सुबह हो गई है, हिमालय बिल्कुल नज़दीक है, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार के घर हैं। अभी हम जाएंगे नीचे शोधारा दर्शन के लिए, जिस काम के लिए हम आए हैं। देखिए, बिल्कुल लास्ट इलाका है, बहुत बढ़िया गांव, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और यहाँ पहुँचने में 2-4 घंटे लगेंगे, क्योंकि हिमालय है बहुत ही नज़दीक। दोस्तों, ये बर्फ़ के पहाड़ हैं, इनमें जब ये बर्फ़ पिघल जाएगी तो यहाँ पे ग्री ग्रास मिलती है, ऐसा गुम्बा। तो यहाँ के लोग जाके ले आते हैं उसको, बहुत कॉस्टली होता है। उसको हिमालयन बेगरा के नाम से जब भी जाना जाता है, वो चाइना जाता है सारा, और बहुत निकलता है इन पहाड़ों में। जब ये बर्फ़ पिघल जाएगी तब उसके नीचे से आता है एक कीड़ा वाला घास, तो यहाँ के लोगों ने बताया है, तो ये लोग जाते हैं यहाँ। देखिए दोस्तों, हिमालय एकदम नज़दीक आ गए हैं। नीचे शोधारा जा रहे हैं हम, झूनी गांव। कल 19 किलोमीटर पैदल चले, 5-7 किलोमीटर आज भी है। और ये देखिए ऊपर हिमालय, और यहाँ हमारे दादा बुबू लोगों का समाधि है, इसलिए मैं दर्शन करने आ रहा हूँ। यहाँ बहुत दूर है, और ये देखिए हिमालय के बिल्कुल नज़दीक आगे। कैमरे में कुछ दूर लग रहा है, बहुत नज़दीक है। और देखते हैं आगे, और आपको दिखाएंगे। अरे दोस्तों देखो, कितना डेंजर रास्ता है, और नीचे सीधे खाई है। बहुत ही डेंजर रास्ता है, और बहुत ही स्क्रा। ये देखिए, ये रास्ता है यहाँ पे, बहुत ही डर लग रहा है मेरे को तो। देखते हैं,
ये देखिए जो आगे झरना दिखाई दे रही है उसके नीचे एक गोल्डन पोल है, वो हर किसी को नहीं दिखाई देता है, कैमरे में भी शायद नहीं दिखाई देगा, ऐसे अपने को तो दिखाई दे रहा है, पूरा गोल्डन पुल है। और ये ऊपर इस पहाड़ी में से 100 जगह से पानी आता है बाहर, और फिर ये नीचे इतनी नदी हो जाती है, बस यहीं से आता है, ज़्यादा दूर से नहीं आता है। तो बहुत मान्यता है यहाँ की, नीचे इसी के नीचे मंदिर है, हम वहीं जा रहे हैं, दिखाएंगे आगे वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये बुरांस के फूल हैं, इसके बहुत पेड़ हैं इधर चारों तरफ, और पूरा रंगीन हो रखे हैं पहाड़ इसके वजह से, और इसका जूस भी बनता है इन फूलों का, और जैम भी बनता है, बहुत ही मज़ेदार फूल हैं ये। तो हम ये मंदिर में चढ़ावा के लिए ले जा रहे हैं, ये फूल बहुत नेचुरल चीज़ है। और ये देखिए यहाँ पे नदी है, नदी बहुत तेज़ बह रही है, और ये नदी ऊपर से बर्फ़ पिघल के आ रही है, दिन में शायद ये नदी और बढ़ जाएगी। अभी देखिए कुछ इतनी सी है, बाद में दिखाएंगे कि ये नदी जैसी धूप ज़्यादा आएगी तो कितनी बढ़ती है। अब ये नदी क्रॉस करनी है, सारे कपड़े खोल दिए हैं, जूते, और देखते हैं कैसे इसको पार करें, बहुत ठंडा पानी है। देखिए वाह, कमाल की बात है, कमाल की बात है। यहाँ से नंगे पैर चलेंगे हम, नदी क्रॉस कर दी, बहुत ही ठंडा पानी था, एकदम सुन्न हो गए हैं पैर, ये ऊपर से ताज़ा बर्फ़ पिघल के आया है, -5-6 डिग्री होगा तापमान पानी का, और मंदिर अब नज़दीक है, तो हम अपने जूते चप्पल यहीं छोड़ के यहाँ से नंगे पैर चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंदिर है, और चारों तरफ झरने, नदी, ये देखिए इसी पहाड़ से ये पानी आता है। और नहाने के लिए यहाँ नीचे जाएंगे हम, और ये नदी है। तो जो ये सामने पहाड़ है, इस पे मधुमक्खी के बहुत बड़े बड़े छत्ते लगे हुए हैं, और जो कैमरे में नहीं आ रहे, मेरे पास नॉर्मल कैमरा है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाता, बहुत बड़े बड़े छत्ते हैं, इसमें भालू चढ़ के इसको खाता है, बल्कि कई बार यहाँ के लोगों ने देखा है। यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, तो हम लोग यहीं पर नहाएंगे, देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और मंदिर थोड़ा ऊपर है, एक नदी इधर से आती है, एक नदी यहाँ बीच से आती है, और एक नदी इधर साइड से आती है, तो यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पर, तो हम लोग यहीं पे नहाएंगे आज। बस मैं दिखना दोस्तों, अब नहा के बहुत नहाइए का साबुन लगाया था, साबुन भी जम गया शरीर में, पूरे हाथ पांव सुन हो गए, बाप रे बहुत ही खतरनाक है, अभी साबुन निकला नहीं है, एक बार तो ट्राई मारना पड़ेगा, बहुत ही टॉप है, अच्छी तरीके से साबुन निकला नहीं, और मैं तीसरे बार ट्राई नहीं मारूंगा, हाइपोथर्मिया का खतरा है,
पूरा शरीर जम गया है और साबुन निकला नहीं है। टावल से पोंछ के साबुन निकालूंगा पर पानी में नहीं जाऊंगा। हाइपोथर्मिया का खतरा है बहुत, बहुत ही ठंडा पानी है ये, पूरा पिघल के ऊपर से पानी आ रहा है, बहुत ही ठंडा है। बाप रे, पूरा शरीर सुन्न हो गया, देख सकते हैं शरीर में कैसे कांटे कांटे हो गए हैं, मांस में इतना ठंडा पानी है। आज तो इतने ठंडे पानी से सारे पाप ही धुल गए जो भी थे। दोस्तों नदी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सारे लोग चले गए पार, अब मेरी बारी है, मैं देखता हूँ। तलाई पत्यासार ये गांव है, देखिए कितने खेती बाड़े होती हों, बहुत सुंदर पहाड़ों में बसा हुआ गांव है। अभी भी हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा, बहुत दूर जाना है। जो लास्ट गांव दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इससे भी ऊपर पीछे जो पहाड़े दिखाई दे रही है वहाँ जाना है।